देखा है आपने अपने जीवन में होते हुए? चमत्कारों की कहानियां तो खूब सुनी आपने। पिताजी के मुंह से सुना होगा ना, पिताजी अक्सर ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, खाने के टेबल पर या एक जगह बैठते हैं संध्या के समय। तब उस व्यक्ति को देखो जो इंडस्ट्री का मालिक है। कुछ नहीं था, वो हमारे सामने ही शहर में आया था। उसके जेब में 100 रुपए नहीं था, बहुत दिन स्टेशन में सोया, खाना मांगकर खा लेता था दोस्तों के यहाँ। फिर किसी दुकान में उसने काम पकड़ी, थोड़ा थोड़ा सा पैसा अर्जन किया। कहाँ से उसकी किस्मत खुल गई, कहाँ से उस व्यक्ति से उसका मिलना हो गया और बस किस्मत चमक गई। सुना होगा ना अपने दादाजी से, अपने पिताजी से भाग्य बदलने वाली बहुत सारी स्टोरी। मुझे वो सामने वाली जमीन 500 रुपए में मिल रही थी, मेरी किस्मत खराब थी, मैंने नहीं लिया, इग्नोर कर दिया। और देखो उसे उसने खरीद लिया और आज वहां करोड़ों की फैक्ट्री लगा दी उसने। काश मैं खरीदा होता। मतलब भाग्य उस वक्त दो अवसर मिले थे, आपको भी मिला था, उनको भी मिला था, आपने उसका लाभ नहीं उठाया और अगले ने लाभ उठाया। इस तरह की कहानियां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने बड़ों से नहीं सुनी होगी, और झूठी नहीं है ये कहानियां। आपके शहर में 4, 10, 20 ऐसे किस्मत वाले व्यक्ति मिलेंगे जिनकी तकदीर सभी की आंखों के सामने बदली। सब पछताते हैं, जिस वक्त उसने शुरुआत की थी उस वक्त मैं भी था, उस वक्त मेरे पास भी इतने पैसे थे, मैंने शुरुआत नहीं की, उसने की, और आज वो करोड़पति बन गया। देखो हम लोग साधारण से व्यक्ति हैं। सबने ये कहानियां सुनी होगी, अर्थात उस वक्त आपका भाग्य इतना प्रबल नहीं था, आपके ग्रह इतने मजबूत नहीं थे कि वो आपको यहां से वहां तक पहुंचा देते। उसके थे, पहुंचा दिया। तो आज मैं आपको चमत्कार बताने वाली हूँ कि ऐसे शुभ अवसर आपको भी प्राप्त होंगे और उस वक्त आप पीछे नहीं हटेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे, आप उन अवसरों का लाभ उठाएंगे और बन जाएंगे करोड़पति। यदि धन की समस्या सता रही है आपको, खूब कमी है, वर्षों से गरीब थे आप और अभी भी गरीबी झेल रहे हैं आप, भविष्य भी अंधकार में लगता है आपको, ऐसा लगता है जैसे कि मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, निराशा ही निराशा नजर आती है जब आपको, तब मेरा बताया यह प्रयोग आपकी किस्मत बदल कर रख देगा। यदि हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सो अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन बात बनने से ठीक पहले कोई काट जाता है, बिल्कुल आपकी नौकरी पक्की है, आपने इंटरव्यू देकर आया, वो लोग इतने प्रसन्न हैं आपसे कि बार बार उधर से ही कॉल आ रहे हैं, ज्वाइनिंग से पहले कहां से उनको एक आपसे भी बेहतर कैंडिडेट मिल जाता है, आपको कहा जाता है जरा होल्ड कीजिए, हमने दूसरों को अपॉइंट कर लिया है, जैसे ही हमारे दूसरे ब्रांच में कोई जगह खाली होती है हम आपको बुलाएंगे। बात बनते बनते बिगड़ गई, आपका विवाह तय हो गया, आप जैसी लड़की चाहते थे वैसा घराना, वैसा खानदान, वैसी लड़की मिल गई, लगा कि बिल्कुल यह बात पक्की हो जाएगी, उस लड़की का रिश्ता तय हो गया। आपने कुछ बिजनेस व्यापार के लिए प्लान बनाया, पूंजी इकट्ठा कर ली, एक दुकान देखा था वह भी मिल गई, सब कुछ बाद में तय हो गई, लाइसेंस आपको मिला ही नहीं। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जब लाइन में आप लगे और जब आपकी बारी आए तो दरवाजा बंद हो जाता है आपके साथ, कमाई का जरिया बंद हो जाता है, पैसे आने में हमेशा दिक्कत होती है। और यह समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, पहले भी रुकावट आपको ही थी, अभी भी रुकावट आपको ही है, और देखकर ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य कभी नहीं बदलने वाला है, हमेशा रुकावट मुझे ही होने वाली है। तब आज का प्रयोग आपके लिए, सबसे पहले मुस्कुराना सीखो, मुस्कुरा। मैं हंसकर बताती हूँ ना, समस्याओं की भी बातें करती हूँ तो मुस्कुराती हूँ। मुस्कुराने से सौभाग्य जागता है, शुक्र मजबूत होता है, आपकी टेंशन दूर होती है, गुरु ग्रह मजबूत होता है, खुद में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये जो परेशान सा चेहरा है, उदास रहते हैं, दिन रात नहाना छोड़ दिए आप, खाना खाना छोड़ दिए, कभी कहीं पड़े हैं, अपने भाग्य को कोस रहे हैं, ऐसा करने से भी हम अपने 9 में से 9 ग्रहों को इनबैलेंस कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से निकलो और चलो सौभाग्य जगाते हैं। आज बताती हूँ एक छोटा सा प्रयोग, केवल एक अंक लिख कर अपने जेब में रख लेने मात्र से किस्मत ना बदल जाए तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, यही वो मंत्र है जो चमत्कार है जीवन में।
खाना बना रही हो ना, बोला करो ओम नमः शिवाय, वो प्रसाद बन जाएगा। गाड़ी चला रहे हो ना, ओम नमः शिवाय जपा करो, न शनि बिगाड़ पाएगा कुछ आपका, ना राहु, ना कोई दुर्घटना होगी कभी। बच्चे को स्कूल ले जा रहे हो, पहुंचा रहे हो, ओम नमः शिवाय का जप किया करो, बच्चा हमेशा सुरक्षित रहेगा, सौभाग्य जागेगा, जिस काम के लिए भी जाओगे वो काम बनेगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए, किस्मत बदल जाएगी। ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ मैं आपको। आज राहु से जुड़ा एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। राहु है जो अचानक से मिले उपहार स्वरूप अवसर को काट देता है। राहु है जो धन भाग में बैठ जाए तो सब नष्ट कर देता है। जुए की प्रवृत्ति लग जाती है आपको, शेयर बाजार की ओर मुंह करते हैं आप, सारे पैसे गवा देते हैं, नौकरी में बात बनते बनते कट जाती है, विवाह तय होकर रुक जाता है, धन खर्च होने लगता है, उदासी होने लगती है, आत्मविश्वास कम होने लगता है, ये राहु ही है। तो चलो राहु का एक छोटा सा प्रयोग करके इस भयानक से, इस क्रूर ग्रह को, जिसे लोग क्रूर कहते हैं, से अपना मित्र बनाते हैं, इसे बलवान करते हैं। एक 4x4 का पेपर ले, 4 इंच लंबा, 4 इंच चौड़ा, एक चरखुट सा सफेद कागज का टुकड़ा ले, ब्लू रंग की कलम ले, दिन बुधवार हो शुक्ल पक्ष की, बुधवार के दिन कोई भी प्रयोग शुक्ल पक्ष में करे, कृष्ण पक्ष में प्रारंभ ना करे। पवित्रता का ध्यान रखिए, महिलाएं करें तो पीरियड्स में प्रारंभ ना करें। एक 4x4 का कागज ले, बुधवार के दिन ब्लू रंग की कलम से उस पर 4x4 लिखे, यानी 4444 4444 ब्लू रंग की कलम से गाढ़ा करके लिखें। एक एक बार नहीं, चार चार बार कलम दोहराएं, मोड़े, अपने पर्स में डाल लें, अपने वॉलेट में डाल लें, पूरे हफ्ते रहने दें। नेक्स्ट जब बुधवार आए, इसे 2 टुकड़ा कीजिए, किसी पौधे में डाल दीजिए, पुनः लिखिए और डाल लीजिए जेब में। बताओ 1 रुपए का खर्च है, लेकिन अगर सौभाग्य प्रथम हफ्ते से आपको बदलता ना दिखे, हालात चेंज ना होते दिखे, तो कहिएगा। मैंने कहा ना, ये उपाय नहीं है, ये जादू है, ये जादू है। तुरंत से आपको ऐसा लगेगा कि मेरे मान सम्मान में बढ़ोतरी हो रही है, मेरे आय में बढ़ोतरी हो रही है। वो जो बार बार बातें कट जाती थी, खत्म हो जाती थी, वो अब नहीं होता मेरे साथ, ये होने लगेगा। तो केवल एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग करो, राहु जैसे क्रूर ग्रह को पहले हम बैलेंस करेंगे, फिर मजबूत करेंगे, फिर अपना मित्र बनाएंगे, धन बरसेगा, चारों दिशाओं से आय के जो स्रोत है वो बढ़ते चले जाएंगे, जो बेचोगे वो बिकेगा, जो नौकरी चाहोगे वो मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन बरसेगा, बन जाओगे करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।